प्लान को पूरा करने का दारोमदार बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। मोदी यूपी के महामिशन में जुट चुके हैं, इसीलिए यूपी में ताबड़तोड़ दौरे की तैयारी है और इस दौरान मोदी बीजेपी के विकास पथ पर विजय रथ दौड़ाकर विरोधियों को पस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। खास बात यह है कि इस मिशन में सारथी योगी रहेंगे, जो मोदी के हर दौरे से पहले वहां पहुंचकर पुख्ता तैयारी करते हैं। यूपी में चल पड़ा मोदी का सियासी रथ, जहां जहां मोदी वहां वहां योगी। मोदी की हुंकार, योगी की ललकार, यूपी में जीत के लिए योगी मोदी का प्रहार। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी सोची समझी रणनीति पर काम कर रही है। यूपी की सत्ता और शासन की बागडोर भले ही योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, लेकिन चुनाव जिताने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर है। यही वजह है कि पीएम मोदी यूपी में चुनावी दौरे पर जाने वाले हैं, जहां पर ताबड़तोड़ कार्यक्रम लगेंगे। 2022 में कमल खिलाने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, क्योंकि 2022 जीते तो 2024 का रास्ता आसान हो जाएगा। इसीलिए यूपी में पकड़ जरूरी है। यही वजह है इस वक्त बीजेपी का पूरा फोकस यूपी में जीत पर है। इसीलिए बीजेपी के सबसे बड़े सियासी योद्धा प्रधानमंत्री को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। वो आने वाले वक्त में लगातार दौरे करने वाले हैं। इस दौरान यूपी पर तोहफों की बरसात होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने दो बार उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरे में यूपी वासियों को विकास की नई योजनाओं की सौगात दी जाएगी। दरअसल बीजेपी एक रणनीति पर काम कर रही है कि विपक्ष के हर निशाने का जवाब विकास की योजनाओं के तहत दिया जाए। हालांकि पीएम मोदी अक्सर अपने संसदीय क्षेत्र बनारस जाते रहते हैं, लेकिन इस बार वोट बैंक की रणनीति के तहत हर एक दौरा अहम होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत सिद्धार्थ नगर से हो रही है। खास बात यह है कि पीएम मोदी के दौरे से पहले जायजा लेने सीएम योगी सिद्धार्थ नगर जा पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी पहुंचने से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार तैयारियों में जुट गई है। दरअसल पीएम मोदी का यह दौरा 2022 विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरे में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। इसी के तहत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नो मेडिकल कॉलेज का भी शुभारंभ करेंगे। पूर्वांचल की धरती पर पीएम मोदी के दौरे को मिशन 2022 से जोड़कर देखा जा रहा है। इस दौरान वो कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो सिद्धार्थ नगर पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी कार्यक्रमों के साथ साथ सिद्धार्थ नगर में एक बड़ी जनसभा और रैली को भी संबोधित करेंगे। वहां वो माधव प्रसाद त्रिपाठी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। बुद्ध सर्किट के डेवलपमेंट के लिए सिद्धार्थ नगर को चुनने के पीछे बीजेपी की गहरी चुनावी रणनीति है। हालांकि बतौर भाजपा नेता नरेंद्र मोदी की जिले की ये दूसरी यात्रा होगी। मालगोदाम परिसर से 1 किलोमीटर की दूरी पर बीएसए ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी की सभा होने जा रही है। साल 2014 में लोकसभा चुनाव के प्रचार करने मोदी यहां आए थे, तब उन्होंने वादा किया था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद यहां जरूर आएंगे। 25 अक्टूबर को वो वादा पूरा होने जा रहा है। आज हर गाँव में आवास से लेके शौचालय से लेके बिजली के कनेक्शन से लेके कम्युनिटी टॉयलेट से लेकर के सम्मान निधि से एक लाभार्थियों की बड़ी संख्या हो गई। तो जो मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, हमारे सामने वो लक्ष्य है। सिद्धार्थ नगर और कुशीनगर में विकास की कई योजनाओं की सौगात पीएम मोदी यहां देंगे, लेकिन इसके पीछे चुनावी गणित भी है, जिसमें भगवान बुद्ध के अनुयायी उन लोगों को साधना है
जो बीजेपी से दूरी बनाए हुए थे। कुशीनगर और सिद्धार्थनगर में विकास की अनेक योजनाओं की सौगात के जरिए बीजेपी अब बुद्ध की धरती से राम की नगरी को साधने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के यह दौरे गोरक्ष प्रांत के साथ अवध प्रांत के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का माहौल बना देंगे। सहयोगी परवेश और वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, सिद्धार्थनगर। योगी आदित्यनाथ यूपी में दूसरी बार कमल खिलाना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिना यह असंभव सा लगता है। इसीलिए पीएम मोदी यूपी में योगी को साथ लेकर हुंकार भर रहे हैं। जहां जहां मोदी वहां वहां योगी साथ दिखेंगे। एक महीने में दो बार मोदी यूपी का दौरा करने की खबर है और यह सिलसिला चुनाव आने तक चलता रहेगा। इतना ही नहीं, बीजेपी स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उतारने की तैयारी में, जिसमें सांसद विधायक मिलकर जीत का जोर लगाएंगे। चुनाव आने में कुछ महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में पीएम मोदी यूपी में लगातार दौरे की शुरुआत करने जा रहे हैं और उन दौरों पर यूपी को सौगात मिलने वाली है। सिद्धार्थनगर में इंतजाम देखने के लिए योगी पहुंचे थे, विकास कार्यों की समीक्षा की और ऐलान किया कि आने वाले दिनों में सूरत बदल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर स्वास्थ्य संबंधी अनेक योजनाएं प्रारंभ हुई और खासतौर पर जब हम इनकी चर्चा करते हैं तो चाहे वह एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हैं, उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले एक भी जिले में ये सुविधा नहीं थी। सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और तैयारियों का जायजा भी लिया। सिद्धार्थनगर के दौरे पर 228 करोड़ की सौगात उस इलाके को मिलेगी, जिसमें मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ होगा और टूरिज्म के लिए भी कई योजनाएं हैं। इसके अलावा बुद्ध सर्किट से जुड़ा खास प्लान हो सकता है, जिससे इलाके में काफी विकास हो पाएगा। जबकि एक वक्त में सिद्धार्थनगर यूपी के सबसे पिछड़े जिलों में माना जाता था। अयोध्या को भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो एक 300-400 करोड़ का बस अड्डा भी बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, कि कोई विदेश से भी आए और वहां उतरे तो उसको लगे कि हम अयोध्या पहुंचे हैं। 84 कोसी परिक्रमा नेशनल हाईवे बन रही है। अब सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी के दौरे का सियासी गणित समझिए। दरअसल बीजेपी की मंशा दलित वोट बैंक पर पकड़ बनाने की है। इस इलाके में अधिकतर आबादी दलित है, इसलिए पीएम मोदी के आने से इस वोट बैंक पर सीधा असर पड़ेगा। बीजेपी फिलहाल यही मानकर चल रही है। आज आम जनमानस पलके बिछाए बैठी हुई हैं, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो अंतिम लाइन में खड़ा होने वाला व्यक्ति था, उसे उठाने का काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा देश में 193 देश ऐसे जो भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं और इस वर्ग को साधने के लिए मोदी जी ने कुशीनगर एवं कपिलवस्तु में विकास के बड़े मायने तय किए हुए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में योगी जी का दौरा है, मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण होने की तैयारियां चल रही हैं, 25 अक्टूबर को माननीय नरेंद्र मोदी जी का आने का प्रोग्राम है। पीएम मोदी पिछले चार महीने में यूपी का चार दफा दौरा कर चुके हैं और अब ये लगातार बढ़ने वाले हैं। सामने चुनाव है, इसलिए बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। पीएम मोदी पिछले चार बार में यूपी पर योजनाओं की बरसात कर चुके हैं। 5 अक्टूबर को लखनऊ में 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों की डिजिटल चाबी सौंपी गई। 14 सितंबर को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। 28 जुलाई को लखनऊ में केंद्र सरकार की तीन प्रमुख योजनाओं, अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्मार्ट सिटी परियोजना के 3 साल पूरे होने के मौके पर 3,897 करोड़ की 99 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। जबकि इससे पहले 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1,583 करोड़ रुपए से अधिक की विकास कार्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया। भले दिन ज्यादा हो गए हो, लेकिन जब काशी ने बुलाया तो बनारस वासियों ने एक साथ इतने विकास कामों की झड़ी लगा दी
एक तरह से आज महादेव के आशीर्वाद से काशीवासियों ने विकास की गंगा बहा दी। इतना ही नहीं, पिछले साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के 3 दौरे कर चुके हैं। उस वक्त भी उन्होंने यूपी के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। जाहिर है विकास के रथ पर सवार होकर चुनावी विजय पथ पार करने की महत्वाकांक्षा बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। इसी वजह से यूपी पर केंद्र सरकार मेहरबान है। अब देखना है यूपी की जनता विधानसभा चुनाव में जीत का रिटर्न गिफ्ट देती है या नहीं। टी न्यूज निश। बीजेपी का टारगेट 300 पार करना है और इसके लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है, लेकिन खेल छोटी पार्टियां बिगाड़ सकती है क्योंकि यूपी में जातिगत सियासत हावी रहती है। इसीलिए बीजेपी को ऐसी रणनीति तैयार करनी होगी जिससे छोटी पार्टियों को साध सके और विपक्ष का पूरा खेल बिगाड़ सके। यूपी की सियासत कमाल है, यहाँ बड़े बड़ों की सियासी जमीन कब खिसक जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस रसातल में जा चुकी है, एसपी बीएसपी का जनाधार खिसकता जा रहा है। ऐसे में उस वोट बैंक को पाने के लिए छोटे दल जोर लगा रहे हैं जिससे गठबंधन की सियासी खिचड़ी पकने लगी है। कभी राजभर ओवैसी से मिलते हैं, कभी राजभर बीजेपी नेताओं से मिलते हैं, कभी राजभर शिवपाल से मिलते हैं, रोज उनके बयान बदलते हैं। अब कह रहे हैं कि वही किंग मेकर होंगे। राजभर के सुर बदलते देख ओवैसी भी छटपटाने लगे। ऐलान कर दिया कि राजभर की वजह से भागीदारी मंच टूट जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी शर्तें मान लेती है तो वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं आवाम को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उल्टी भी खड़ी हो जाए हम तब भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उधर गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव को चाचा शिवपाल ने 11 अक्टूबर को आखिरी तारीख दी थी जिसकी मियाद निकल गई, लेकिन चाचा को भरोसा है भतीजा कुछ सोचेगा। इस बीच शिवपाल दूसरे दलों से भी बात कर रहे हैं। सभी समान विचारधारा की पार्टियां, सभी सेक्युलर पार्टियां एक हो गए। हमने समाजवादी पार्टी को प्राथमिकता दी। राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, करना भी नहीं चाहिए, बातचीत का दौर खुला रखना। इधर बीजेपी इस खेल का मजा ले रही है, कांग्रेस सब कुछ खामोशी से देख रही है क्योंकि खुद कांग्रेस की हालत खराब है। और कौन उनको पूछ रहा है, मंच का है, कहीं आवे कहीं जाए, पहले भी कहीं कहीं आते रहे हैं, कहीं जाते रहे हैं, कौन पूछ रहा है। देखिए चुनाव के समय जो अपने सारे विकल्प खुले रखते हैं वो आखिरी में विकल्पहीन हो जाते हैं, और जो भी जाति के नाम पर समाज के नाम पर लोगों को इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे होते हैं। छोटे दल पूरा जोर लगा रहे हैं जिसका कितना असर होगा ये चुनाव के बाद पता लगेगा। फिलहाल बीजेपी का फोकस विकास कार्यों के प्रचार पर है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे और पीछे से ताकत देने के लिए, विजन देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, और वैसे भी वो उत्तर प्रदेश के ही सांसद हैं। तो मेरे ख्याल से डबल इंजन की जो सरकार है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश होगा। बीजेपी की टक्कर में फिलहाल यूपी में कोई दूसरी पार्टी नहीं है, लेकिन छोटी पार्टियां एक साथ मिलकर बड़ा खेल कर सकती है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे रोजाना राजनीतिक समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा उठापटक छोटे सियासी दलों में है। छोटे सियासी दलों को लगता है कि वो ऐसे पार्टी के साथ गठबंधन में जाएं जिसकी सत्ता में आने की प्रबल संभावना हो और उनके संगठन को सरकार में अहम जिम्मेदारी भी मिले। लखनऊ से उड़नस दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, तुरंत हाजिर होंगे।